आमी तुम्हार छारे थाकते पारी ना। पैर का हालत बहुत खराब है, मतलब डॉक्टर ने तो 3 दिन बोला रेस्ट करने। Hey guys, welcome to my YouTube channel मनीषा रानी #OnePiece और ये रहा हमारा चौथा वीक हो चुका है ना, चौथा वीक मतलब 1 महीने कंप्लीट हो चुका है हमारे झलक पे और ये हमारा चौथा डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयारी चल रहा है। आज है तीसरा दिन। आज हमारा पहला दिन है 4th act, राइट? और इस बार झलक ने कर दिया है कहानी में ट्विस्ट, अदला बदली, मतलब हम लोग कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्मेंस करने वाले। क्या बात कर रहे हैं? और मेरी पार्टनर है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? आप मेरा दुख समझ सकते हो, हम क्यों रो रहे हैं क्योंकि जब अद्रिजा का नाम आया था तभी बोले यार इसके साथ काय दे दिया, इसके साथ। एक तो ये वन ऑफ द बेस्ट डांसर है यहाँ की, इतना फारू डांस करती है, अब इसको मैच करके डांस करना, इट्स लाइक सोने वाला को पाप लिखेगा भगवान। सोने वाला बहुत गलत किया मेरे साथ, मेरी पार्टनर इसको दे दिया। वैसे हम बहुत खुश है बहन, पर अलग अलग डांस करके, ऐसे साथ वाला डांस नहीं कर रहा था तो अब इसको पार्टनर दे दिया। ऊपर से इस बार तो कुछ अलग ही फॉर्म, कौन सा फॉर्म करवा रहे हैं आप लोग? ओडिसी करवा रहे हैं ऐसे ऐसे, अरे बाप रे, अगर झुकते हैं तो ये यहाँ का लगता है हड्डी चला गया। माय गॉड, कैसे होगा ये? भगवान बजरंग वाली करवा दीजिएगा जो करवाना है। भगवान मैं सहन कर सकूं उतना ही दुख देना, हमको पता नहीं। ये अद्रिजा की मम्मी है आंटी साध्वी जी। आप बंगाली हैं राइट? आप वाओ। तो हम लोग ना जब भी ये क्लास में आएंगे तो बंगाली बोलेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, नॉर्मल है। तो ना कहलो बाबू, माई लोग ऐसी होती है बाबू, क्या करेगी बाबू। मम्माज आर ओवर पॉजिटिव। हम इतनी बड़ी हो गए, अभी तक मेरा 10 मिनट लेट हो जाता तो झंड कर देती, कहाँ गई, किससे गई। हम बोले जवानी में भी कोई कहानी नहीं होने देगा हमारे माँ। खराब हो गया है मेरा। हमको ना अभी भी उनके साथ ऐसा फील होता है ना, LKG UKG वाला बच्चा। अभी भी यहाँ से 10 मिनट, मेरा एक फ्रेंड है वो आता है लेने, उतने में 10 मिनट अगर लेट हो गया वो फ़ोन करेगी कहाँ है, जल्दी आओ, मुँह कान फुला लेगी। हम बोले आप ही की वजह से हम सिंगल मर रहे हैं साला, ना कहीं जाने देते हैं ना कुछ होने देते हैं। करने वाला लोग तो छुप छुपा के भी कर ही लेता है जैसे। सही बोले ना? आमी बांग्ला बोलते पारी एकटू एकटू। Yes. आमी तुम्हार छारे थाकते पारी ना। यार ये कितनी औसम है यार। मतलब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बंगाल में 2 साल रहे हैं ना हम, 2-2.5 साल। और हमको अभी भी याद है, हम जब वहाँ पे शो करने जाते थे ना बंगाली लोग के साथ ऐसे डांस, जो पहले उस टाइम करते थे, और जब हम बंगाली बोलते थे लोग बहुत हंसता था। हम जो तो बोलते थे खासी फासी लासी जो भी, अब लोग बोलते थे यार बोलो ना बंगाली ही बोलो ना, हम गलत सलत सब बोल देते थे। अभी थोड़ा दर्द में है और ये हमारी हॉट फिजियो आई है, फिजियो करने के लिए। क्या मतलब सोते हुए भी इतने खूबसूरत लग रहे हो? बात तो सही है। मोटी लग रहे होंगे। हिलेगा ही नहीं वो, इधर ही है। 1 2 समझा डिफरेंस? क्या बोला मैंने? आप कर रहे हो 1 फिर छोड़ रहे हो फिर 2 ले रहे हो। इस बार का I don't know, I'm just giving my best। मुझे पता है फाड़ेंगे करके। इतना ज़्यादा टाइम, सुबह 11 बजे आए हैं, रात अभी 11:30-12 बजने वाला है। इतना ज़्यादा टाइम किसी भी सॉन्ग को नहीं दिए थे, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि ओडिसी डांस फॉर्म है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत हार्ड है। आपको पूरा डांस ऐसे ऐसे झुक के करना पड़ेगा, पूरा पैर में दर्द उठ जाता है यार। टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। तो गाइस हम घर से मंगवाए हैं चना का साग। एक्चुअली ये चना का जो साग है ये विंटर सीजन में बिहार में मिलता है और बिहार का अलग ही स्वाद है। मुंबई में मिलता है लेकिन मुंबई के चने के साग में ऐसे स्वाद नहीं है, तो स्पेशली हम बिहार से मंगवाएं और ये इतना यमी रहता है। और मेरे को घर का खाना है एज ऑलवेज, तो इसलिए माया लेके आई ये चना का साग और रोटी। बेस्ट खाना, मतलब 5 स्टार का होटल का खाना भी फेल है इस खाने के नाम। क्यों माया जी? ये जो चना का साग है ना बिहार से स्पेशली हम मंगवाए और ये इतना यमी रहता है ना, आप बताना। क्योंकि इसका जो स्वाद है ना ये यहाँ नहीं मिलेगा, वो स्पेशली बिहार से मंगवाएं ये चना का साग। क्या हो जाए, ये विंटर के टाइम में सिर्फ मिलता है बिहार में और ये इतना हेल्दी रहता है। कैसा लगा? ठेचा जैसा फील है इसका, बट विदाउट स्पाइसेस है थोड़ा। हम लोग के विंटर का उधर आधा खाना यही रहता है, चावल, नमक, तेल ये और मूली ऐसे। उफ क्या जो लगेगा ना, मतलब मेरा तो वो बोले ना होटल का खाना, रेस्टोरेंट खाना, ये खाने के आगे कुछ नहीं। उनका हाल हो गया बेहाल, देख सकते हैं आप। गाइस उलट गया, गाइस पड़ गया, गाइस प्राउड ऑफ मी टू। यस गाइस, सब हमारे पे प्राउड कर रहा है। गाइस सब किस पे करेगा? खुद पे करो। पिज्जा खाना या आई स्टार्ट लाइकिंग पिज्जा दिस डेज। अर्लियर आई डोंट लाइक पिज्जा। व्हाई यू लाइक पिज्जा? Because there is simla mirch, corn, cheese, and I love unhealthy food. Yeah. Do you love me? Haha, I love everybody. I'm unhealthy. No, you are healthy. Actually, for me, boys are unhealthy. Yeah, yeah. I think for every girl, same. For every girls, boys are unhealthy. But still, girls want unhealthy. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। Unhealthy food is like that चिकना बॉडी वाला मुंडा। Yes, which is always not bad, always bad for you, but always tasty. And tasty. समझ रहे हो? Foods and all the good food is like सरकारी which is good for health. We know, but इसमें मजा नहीं है, but इसमें we don't want that. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। Oh my God, हालत खराब है। सुने guys, जब voting चोट पे डांस कर रहे थे, चोट पे वोट होना चाहिए भर भर के, ठीक है? चोट पे वोट। Guys, इस हफ्ते हमें 2 एक्ट रेडी करना है। एक अद्रिजा के साथ जो कंटेस्टेंट के साथ कर रहे हैं और दूसरा बैटल एक्ट करना है, क्योंकि हम नीचे से टॉप 3 पे लाइक स्कोरिंग में, तो अगर हम बैटल में आते हैं तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। और मेरा पैर का हालत बहुत ख़राब है गाइस, आप देख सकते हैं पैर का हालत बहुत ख़राब है। मतलब डॉक्टर ने तो 3 दिन बोला रेस्ट करने, लेकिन यहाँ पे रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है, तो ठीक भी नहीं हो रहा, इसलिए बस जनता आप लोग इतना वोट कीजिए कि बैटल में आने का नौबत ना पड़े आपकी मनीषा रानी को। आई लव यू गाइज। आज हमारा टेक्निकल है और इस बार हम उड़ीसी डांस फॉर्म कर रहे हैं। स्टार्टिंग डेज में तो ऐसा था कि फर्स्ट डे जब हम आए थे और हम अपने कोरियोग्राफर को फ़ोन करके बोले थे रो के, जिस दिन उसने पहली बार सिखाया था कि यार मुझसे ये डांस फॉर्म नहीं होगा। मेरी टीम का मेहनत है कि हम फाइनली कर रहे हैं, कितना अच्छा करेंगे नहीं करेंगे लोग आप सब देख लीजिएगा। याहू अपना परफॉर्मेंस फाड़ देना। गाइस कैसा लग रहा है फुल मार्क्स लेके आशु? गाइस इतनी खुशी मेरे को आज तक नहीं, इतनी खुशी मुझे आज तक। अरे हमको भी तो बोलने दीजिए। पहला थर्टी और स्टैंडिंग ओवेशन और आग तड़का सॉरी क्या बवाल क्या था तबाही अरे तूफान जो देती है तड़का जादू की चप्पी सब मिला। और कसम से ये ऐसा एक्ट था जिसमें हम इस बंदे को फोन करके रोए थे कि मेरे को प्लीज एक्ट चेंज करवा, मतलब डांस फॉर्म चेंज करे, मेरे से ये नहीं होगा। और इसमें 30 मिल गया और मैंने बोला था मुझ पर, और वो भी बिना आंसू के सब होगा, बिना आंसू के। ये बेइज्जती की तारीफ पता नहीं चल रहा है। पाप लिख लगाया हो, पाप लिख। So guys, ये है ऋत्विक। हाँ जी। ऑन स्क्रीन हम लोग का जो भी दिख रहा है वो रियल हो ना हो, बट ये बहुत रियल इंसान है और हम तो रियल हैं यार, बहुत रियल हो यार। मनीषा रानी तुमने आग लगा दी। इनको पता है कि तुम्हें आज क्या वोट्स मिले और क्या बता दिए तुम? बता दिए, बट आई एम नॉट श्योर। अगर मेरा सैटरडे को एपिसोड आ गया तो संडे को ब्लॉग डालते हैं हम। बता दो जरा, बता दिए। टॉप पे है हमारी लड़की, टॉप 2 पे। मैं ऊपर से जजेस का भी इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग ओवेशन, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडिंग ओवेशन। हां माफ करना, उधर निकल जाता हूं। स्टैंडिंग ओवेशन बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा बढ़िया दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो जजेस का भी प्यार मिला है, स्कोर बहुत अच्छा मिला है। आप लोग भर के वोट कीजिए क्योंकि इस बार का परफॉर्मेंस आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आपकी मनीषा रानी कुछ नया की है, नई भी लग रही है, ओडिसी फॉर्म की है हम। तो आज मुझे और अद्रिजा को मिल गया परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे। और हमें आज तड़ाका थोड़ी यार तबाही तूफान सब मिल गया। वी आर वेरी हैप्पी। टू सोनाली बाबा जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं कैसा लगा? बैटल देखा मैंने, खुशी के मारे मैं तो सीधा अच्छा पूछना। So guys, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी था। मनीषा डियर मुखिया, दिस इज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम योर सिस्टर मयूरी दी। डियर मनीषा, दिस इज योर मयूरी दी। मैं थोड़ी बड़ी हूँ तुमसे, इसलिए खुद को तुम्हें बहन मान लिया। वाह मनीषा, तुम हर दिल की धड़कन नहीं, हम अभिषा फैंस का नशा हो। तुम्हारे पोस्ट एंड ब्लॉग के बिना हमारा दिन कटता नहीं। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जिसमें से मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल भेजा है, अगर ये ज्वेलरी पसंद आए तो जरूर पहनना। थैंक यू मयूरी दी। और आपने बहुत प्यारा कुछ लिखा है जो हम अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू मयूरी दी। और ये मयूरी दी ने आई थिंक उन्होंने बोला है कि उनका कोई ज्वेलरी का बिजनेस है और उन्होंने बहुत सारा कुछ भेजा है। इतना सारा भेजा है उन्होंने, वो भी इतना सुंदर। वाह। देयर इज वन अनदर लेटर। हेलो मनीषा, आई एम रोशनी फ्रॉम कोलकाता। कैसे हो आप? आपसे बहुत प्यार है हमें। आपकी झलक दिखला जा देख के तो मैं पागल हो चुकी हूँ। आपने तो पानी में आग लगा दिया, शो में जान डाल दिया। आई लव यू सो मच मनीषा। आपको देखती हूँ तो लगता है कि आप इतने दूर तक आ पाई हो तो हर लड़की कर पाई। एक बार कोलकाता आइए प्लीज, आपसे मिलना है। कोलकाता के लोग आपसे बहुत प्यार करते हो। उफ, कोलकाता से तो अलग ही प्यार है मुझे। थैंक यू सो मच रोशनी दी। इवन आई लव कोलकाता। कोलकाता से बहुत सारी यादें मेरी और मुझे कोलकाता के लोग बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच रोशनी। और मेरे जितने फैंस हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, हम जी जान लगा देंगे कि हम आप लोग के लिए ट्रॉफी जीते। और आप लोग भी मुझे पता है जी जान लगा के मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और जी जान लगा के आप लोग वोट करते हैं। लव यू। कितना सुंदर इयररिंग दे दिए आप लोग, देखिए वाह।